हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सोनिया डिसोजा। आज हम बनाएंगे चिकन सॉसेजेस। घर पे ही आप इजीली चिकन सॉसेजेस बना सकते हो और ये चिकन सॉसेजेस आप काफी सारे रेसिपी में यूज कर सकते हो, जैसे पिज्जा या हॉट डॉग्स या अन्य किसी रेसिपी में भी आप यूज कर सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। मैंने लिया है 500 ग्राम चिकन, ये बोनलेस चिकन है। इसको मैंने ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लिया है। रेड चिल्ली पाउडर, गरम मसाला, ऑयल, मिक्स हर्ब्स, जिंजर गार्लिक पेस्ट, सोया सॉस, विनेगर, फेनल सीड्स, इसको मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया है, और सॉल्ट। देखिए ये चिकन इस तरीके से पेस्टी बना है। अब हम इसमें डालेंगे रेड चिल्ली पाउडर 1 टेबल स्पून, गरम मसाला 1/2 टेबल स्पून, जिंजर और गार्लिक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। आप चाहिए तो चॉप करके भी ले सकते हो। सौंफ 1 टेबल स्पून, सोया सॉस 1/2 टेबल स्पून, विनेगर 1/2 टेबल स्पून, सॉल्ट। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टेबल स्पून मिक्स हर्ब्स। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए मैंने चिकन को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने एक प्लास्टिक पॉइल लिया है। अब हम हाथ को थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। अब हम चिकन लेते हैं, इस तरीके से इसको रोल कर लेंगे। इस तरीके से रोल कर लेंगे और इसको इस फॉइल में इस तरीके से रखेंगे और इसको इस तरीके से रोल कर लेंगे। इस तरीके से रोल कीजिए। अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं। चॉकलेट को कैसे रैप करते हैं इसी तरीके से यहाँ पे हम फोल्ड कर लेते हैं इस तरीके से। अब हम यहाँ पे धागे से बांधेंगे। दोनों साइड से इस तरीके से हम इसको बांध लेते हैं धागे से। यहाँ पे भी हम बांध लेते हैं धागे से।
देखिए मैंने सारे चिकन सॉसेजेस को रेडी कर लिया है। मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई में थोड़ा सा पानी को रखा है बॉईल होने के लिए। जब ये बॉईल होगा तब हम चिकन सॉसेजेस को एक एक करके बॉइलिंग वाटर में डालेंगे और इसको 5 to 6 मिनट्स तक बॉईल कर लेते हैं। पानी अच्छे से बॉईल हो चुका है, अब हम एक एक करके चिकन सॉसेजेस को इसमें बॉइलिंग वाटर में डालेंगे। अब हम चिकन सॉसेजेस को 6 to 7 मिनट्स तक पका लेते हैं। सिक्स मिनट्स हो चुका है, अब हम चिकन सॉसेजेस को एक एक करके निकालेंगे और उसको ठंडे पानी में थोड़ा सा चिल होने के लिए रख देते हैं। अब ये चिकन सॉसेजेस ठंडा हो चुके हैं, अब हम इसका जो प्लास्टिक है उसको निकाल लेते हैं। इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है उसको भी हम निकाल लेते हैं। इसको एक टिश्यू पेपर पे रखेंगे। अब मैंने एक फ्राइंग पैन रखा है, अब हम उसमें डालेंगे ऑयल। टू टेबलस्पून अब हम चिकन सॉसेजेस को तेल में शैलो फ्राई करेंगे, एक एक करके चिकन सॉसेजेस को फ्राइंग पैन में फ्राई होने के लिए रख देते हैं। एक साइड फ्राई हो चुका है, अब हम इसको टर्न करके दूसरी ओर भी फ्राई कर लेते हैं। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। लीजिए फ्रेंड्स, चिकन सॉसेजेस रेडी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा ये रेसिपी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।